झामुमो ने पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। जेपी वर्मा के कोडरमा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले से खफा होकर झामुमो ने उन्हें निलंबित किया है। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष के आदेश पर जेपी वर्मा को पार्टी के सभी पदों से पदमुक्त करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। जेपी वर्मा के निलंबन की जानकारी गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय सिंह और कोडरमा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे को भी दी गयी। जेपी वर्मा पांडे विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वो यहां बीजेपी कोटे से विधायक थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद ने उन्हें हराया था। गुजरे साल जेपी वर्मा भाजपा छोड़कर झामुमो में शामिल हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में कोडरमा सीट झामुमो को मिलेगी, लेकिन वो सीट भाकपा माले के खाते में चली गयी।